उस पर आ जाना जब आप हमें सबका की तारीफ और उनके वाकयात को कुरान मुकद्दस के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है, आप उसको पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे, उसको अपनी निगाहों से देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मे सबका किस अंदाज में नक्शा खींचा है और उस नक्शे को किस अंदाज में बयान किया है और पिछली कौमों के साथ उस परवरदिगार जो रहमान है जो रहीम है अल्लाह अल्लाह जो अपने बंदों के ऊपर जुल्म नहीं करता, जो अपने बंदों को जमीन बराबर रब के बराबर राय के दाने के बराबर परेशानियों में देखना नहीं चाहता, उस रब ने अपने बंदों का वो हाल क्यों किया, अपने बंदों की वो दुख क्यों की, अपने बंदों को ऊपर खर्चे क्यों उड़ा दिए, अपने बंदों को सफे हस्ती से क्यों मिटा दिए, वजह क्या थी, सबब क्या था, सबब सबब क्या था, सबब ये था, वजूहात ये थे कि उन्होंने रब के साथ बगावत किया, रसूल के साथ बगावत किया, रब की नाफरमानी की और रब की नाफरमानी करते करते उस पर डटा रहा, उस पर अड़ा रहा, उन्होंने रब के अज़ाब का ख्याल नहीं किया, रब के अज़ाब को ललकारा, कानून फितरत को चला दिया, यही वजह है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के काम को देखने के वो काम जो खुशो खुर्रम इस रब की धरती पर जिंदगी बसर कर रही थी, उस काम जब रब की नाफरमानी की, रसूल की बगावत की, रसूल की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी करने के बर्दाश्त में अपने गुनाहों पर खड़े रहने के इवज अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से पानी के दरवाजे खोल दिए, जमीन में चश्मे छोड़ दिए और फिर पानी के अज़ाब से उसे फर्क कर आप जब तारीख पढ़ेंगे कुरान पढ़ेंगे तफसीर पढ़ेंगे उलमा से सुनेंगे आप कौम लूत का वाकया मिलेगा, कौम लूत का वाकया इस अंदाज में रब करीम ने बयान किया है, अल्लाह का कलेजे मुंह को आता है, आप में खड़े हो जाते हैं कि वो अल्लाह तबारक व तआला की जमीन पर वो भी कभी खुशो खुर्रम थी, उन्होंने भी कभी जमीन पर आशाइश की जिंदगी गुजारी थी, मगर साथ ही साथ उन्होंने जहाँ बहुत सारे जराय किए और बहुत सारी ऐसी जलील और घिनौनी हरकतें की, वहां पर एक असीम हरकत, एक बुरी हरकत, एक घिनौनी हरकत ये थी कि उसने काम ने फितरत को चैलेंज किया और मर्दों के अलावा औरतों के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने जिंसी और फितरी ख्वाहिश को औरतों ने मर्दों के लिए रखी है, उस ख्वाहिशात को उस जिंसी ख्वाहिशात को मर्दों के जरिए से उसकी तकमील करना शुरू कर दिया, उस काम को अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने हजरत नूह ने बारह अल्लाह के अज़ाब से डराया, उसके अज़ाब से डराया, उसके ग़ज़ब से डराया, लेकिन उस सलीम कौम ने जिस कौम के अंदर शैतान का नशा चढ़ा था, जो शैतान का दिल काला और बस क्या हो चुका था, जिन्होंने हाथ में दवा लाए थे मर्दों के साथ पहले करना शुरू कर दिया और जो कुछ चोरा हुआ ऐलान किया इस सलील हरकत को करना शुरू कर दिया, अल्लाह के पैगंबर ने अल्लाह के नबी ने उस काम को अल्लाह के अज़ाब से हटा दिया, लेकिन जब एक इंसान के अंदर वो शैतान का नशा चढ़ता है, जिस शैतान के नशे में आज हम अपनी जिंदगी को रही है, और यही वजह है किसी न किसी सूरत अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ऊपर किसी न किसी तरह की मुसीबत हासिल कर रहा है और उसके बंदे मुसीबत से पीड़ित हो रहे हैं, तो जान रहे हैं ये नहीं समझ रहा हम उधर क्यों जा करके लुट रहे हैं, हम उधर क्यों जा करके बर्बाद हो रहे हैं, हमें लोग क्यों जूते मार रहे हैं, हमारे सर को क्यों फोड़ा जा रहा है, हमारी गर्दनों पर क्यों जो है छुरियां और हमारे जिस्म पर गोलियां ताकी जा रही है, वजह क्या है, सबब क्या है, सबब ये है कि हमारे अंदर फिरौनियत, सबब ये है कि कौम लूत की वो नाशाइश का सिफात हमारे अंदर पैदा हो गई है, जिसकी वजह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसीबत में गिरफ्तार किया है, अल्लाह का हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया, बहुत तबलीग किया, लेकिन वो जलील कौम इस हद तक आ गई कि जब रब का फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया रब के रसूल के पास आया खूबसूरत जवानों की सूरत में, कौम को इस बात की खबर लग गई, इस बात की भनक लग गई, अल्लाह का कौम टोड़े टोड़े रसूल के घर पर फेर लेती है, फरिश्तों के साथ जो फरिश्ते अजाब लेके आए हैं उन फरिश्तों के साथ फेरी करने को तैयार हो गए, नबी वक्त के पैगंबर घबरा रहे हैं, मरऊफ है,